इंस्टाग्राम पे लगे दिखाई देगा भाई हमारा। और भाई फोन बंद हो चुका है अपना। और इस सब फैमिली क्या हाल चाल, स्वागत करते हैं एक और नए ब्लॉग में आपका। और अभी का सीन ये है कि सुबह से मैं मौसी के घर ही था, फिलहाल अभी अभी घर पे आया हुआ हूँ किसी काम से, तो मैंने सोचा अभी ब्लॉग स्टार्ट कर लेता हूँ। और आज है अपना मेहंदी वाला दिन। जिसको नहीं समझ आया मेहंदी वाला दिन मतलब, भाई साहब दो ब्लॉग में पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी मौसी की बेटी की वेडिंग है, शादी है। और वही सीरीज, वेडिंग सीरीज चल रही है अपने ब्लॉग्स में। इससे पहले मैं डाल चुका हूँ हल्दी वाला, हाँ हल्दी वाला ब्लॉग। एक तो कन्फ्यूजन इतनी यार, मेहंदी हल्दी, हाँ हल्दी वाला ब्लॉग डाल चुका हूँ, अगर वो आपने नहीं देखा तो जाके चेक करो। एंड आज अपना हल्दी मेहंदी वाला ब्लॉग रहने वाला है, ठीक है। तो आज मेहंदी का दिन है और अभी जस्ट मैं जा रहा हूँ मार्केट, क्योंकि मेरे को लेना था कुर्ता एक मेहंदी के लिए। हल्दी वाला ये हो गया अपना येलो, मेहंदी के लिए भी येलो, वो ग्रीन ग्रीन पहनने थे सारे, तो मैंने कहा लेने चलते हैं फटाफट घर, यहाँ से निकलते हैं मार्केट चलते हैं कुर्ता लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं आज का कैसा रहता है अपना हल्दी नहीं सॉरी मेहंदी वाला ब्लॉग। यार इतनी कन्फ्यूजन तो लाइफ में नहीं जितनी ये मेहंदी और हल्दी में है यार। सो अभी यहाँ पे आए हैं और भाई ने भेजा ऊपर, चल भाई चल ऊपर चलते हैं यार और देखते हैं अपना मेहंदी उठा जैसे ये है इसमें का ग्रीन हो। तो अभी भाई कलर ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रहा कलर अपने को, जैसे है डार्क ग्रीन भाई बहुत निकाल लिए, नहीं है, है ही नहीं। अरे यार तो अभी गाइस यहाँ से मिल गया अपने को रिएक्शन, यहाँ तो मिला नहीं, कलर ही नहीं मिल रहा अपने को। तो अभी गाइस घूमते घूमते इतना हम पागल हो गए कि फ़ोन भी चार्ज करने ही नहीं दिए। देखो फ़ोन बंद हो चुका है अपना और भाई के फ़ोन से शूट कर रहा हूँ मैं अभी। और अभी आए नेक्स्ट शॉप पे, यही कलर कहीं नहीं मिल रहा भैया यार, तुम्हारी दुकान देखे यार तुम कैसी बात कर रहे हो यार, मजा आ गया यार। चलो मिल तो गया यार, बोलो भाई की दुकान कंपनी है वही जो भैया ने, बढ़िया ब्रांड है, मजा आ जाएगा दोस्त। चलो फिर पहन के देखते हैं, मजा आ जाएगा ना। अरे बहुत मजा आएगा दोस्त। इसका पजामा कहाँ है, पजामा व्हाइट आएगा इसके साथ, निकालो फिर फुल स्क्रीन पे ग्रीन और व्हाइट पजामा। देखिए भाई साहब ये आ गया मैचिंग, ये पजामा एकदम व्हाइट 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 अच्छा लगेगा ग्रीन के साथ। अरे वाह मजा आ गया, इसकी फिटिंग पे हमारा। चलो फिर इसे पैक कर दो भैया आप, इंस्टाग्राम पे लगे दिखाई देगा भाई हमारा, इंस्टाग्राम तो पैक कराते हैं उसके बाद निकलते हैं अपना, हो गया फिटिंग कराएंगे भाई, किस नाम से फिटिंग कराने का चलते हैं क्यों। अरे कर दो भैया, अरे यार अभी गाइस कहीं नहीं हो रहा था अपने को, फिटिंग के लिए नहीं मिल रहा था, सबके पास काम है अपना, कोई खाली है ही नहीं। हाँ भाई जानता है क्या मुझे, अरे भाई मुझे देखा है जानता है, मुझे अंकल जी मिले ये फिटिंग लेंगे, फिटिंग देंगे और उसके बाद थोड़ी देर में आएंगे लेने कुर्ता, फिर डालेंगे और उसके बाद तो पता ही है आपको क्या करना है। चले फिर फिटिंग देते हैं उसके बाद निकलते हैं, ले लो अंकल जी फिटिंग जल्दी, यही फिटिंग रखनी है भाई, देखिए अभी देख लेना है ना। तो भाई अभी हम ट्राई कर रहे हैं, कल बोल लेंगे भाई एक बार ट्राई कर लो, हो सकता है फिटिंग ना करानी पड़े, कुर्ते के ऊपर कुर्ता डाल लें कुर्ता तो कराना नहीं था, पजामा करा लिया हमने फिटिंग, और हम निकल रहे हैं सीधा घर पे, मिलते हैं आपको रेडी हो गए। ये भाई बिना हेलमेट के हैवी ड्राइवर, तो अभी गाइस घर पे आ चुका हूँ और नहा चुका हूँ और चलते फटाफट आज दिखाते हैं आपको कैसे होता है हमारे वहाँ पे मेहंदी का प्रोग्राम। ये कुड़िया नशे दिया कुड़िया, ये मुंडे तो अभी गाइस आ चुके हैं प्रोग्राम में और यहाँ चल रहा है प्रोग्राम और साउंड बहुत है, ऐसा कुछ माहौल है यहाँ का, भीड़ फुल है एकदम, इसलिए मैं शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सॉन्ग चलने तो कॉपी राइट है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना,
मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओ हो ओ हो। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, चेहरा मेरी पूछे मुझे कितना सजन करना चाहे तुझे। इशारे दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी कवारे। छुप जाए सारी कुड़िया घर में शर्म के मारे, गांव में आ गए पागल शहर के सारे। नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली तो अभी गाइस भीड़ थोड़ी कम हो चुकी है और सॉन्ग भी बंद कर दिए हैं अभी, और अभी यहाँ पे चल रहा है दुल्हन का फोटोशूट, ऐसा कुछ फोटोशूट चल रहा है। देख सकते हो भाई दुल्हन के साथ फोटोशूट होता है, वन बाय वन सारे फोटो खिंचाएंगे। और ये दुल्हन का भाई, ठीक है चलिए, लाइटिंग ओवर लाइटिंग। और ये है हमारे कैमरा मैन भाई साहब जो मस्त फोटो खींच रहे हैं। So, अभी का जो शूट हो रहा है गाइस वो रहा है घर पे आने के बाद, और कल आया था घर पे, आज शूट कर रहा हूँ नेक्स्ट डे, वो भी रात को 2 बजे। ठीक है अब वो सब छोड़ो, क्या हुआ कुछ नहीं, बस इतना है कि अब बस इस ब्लॉग को एंड करते हैं, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस यार आपका थोड़ा सा काम बचा है, बस इतना बचा है कि अगर आपको अच्छा लगा ब्लॉग तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हमेशा बोलता हूँ अगर ब्लॉग नहीं अच्छा लगा ना फिर भी कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो, अच्छा या बुरा लेकिन दे के जाया करो, अच्छा लगता है। एंड बस यार ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू सून। शादी वाले ब्लॉग का वेट करना, उसमें ज़्यादा मज़ा आने वाला है। Thank you.